माननीय अध्यक्ष श्री भागचंद प्रश्न संख्या 1248 माननीय मंत्री महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय जी नहीं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा चाहिए आपसे निवेदन करता हूँ अपने सीटों में जाइए कृषि प्रयोजनों के लिए संबंधित है जबकि राज्य में ग्राम पंचायतों की राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1956 के तहत स्वयं के स्वामित्व की आवेदी आबादी भूमि के ही जारी किए जाने का अधिकार प्राप्त है। यदि धारा 91 के तहत कृषि भूमि को आबादी में रूपांतरित किया जाता है व उक्त रूपांतरित आबादी भूमि राजस्व विभाग में संबंधित ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करवा दी जाती है तो ऐसी भूमि का पट्टा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान प्रावधानों के तहत दिया जा सकता है। इसे शहरी निकायों की भांति ऐसा प्रावधान किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। माननीय मंत्री महोदय आप ये बताएं कि जब शहरी निकाय और ग्राम पंचायत के एक समान कानून है और एक समान संविधान है तो यह भिन्नता क्यों? आप यह बताएं कि ग्राम पंचायत में वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग परिवार रह रहे हैं स्वयं की खातेदारी में रह रहे हैं किस्म परिवर्तन करा के मकान पक्के निर्माण बना रखे हैं ग्राम पंचायत की आबादी में रह रहे हैं उनको पट्टा जारी करने हेतु सरकार के नियमों में संशोधन कराने पर विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय स्पष्ट सुनाई दिया है दोबारा माननीय सदस्य से कहा कि दोबारा बोले। माननीय मंत्री महोदय जब शहरी निकाय और ग्राम पंचायत का एक समान कानून है एक संविधान है तो भिन्नता क्यों? आप ये बताएं कि ग्राम पंचायतों में वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार रह रहे हैं उनकी स्वयं की खातेदारी में किस्म परिवर्तन करा के मकानों के पक्के निर्माण कर चुके हैं और ग्राम पंचायत की आबादी में 500 सैकड़ों वर्षों से लोग रह रहे हैं उनको पट्टे जारी करने हेतु सरकार के नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय पंचायत राज में ये प्रावधान है कि कोई किसी के खेत में वो मकान बनाता है तो 500 वर्ग गज तक का बना लेता है उसको पट्टा लेना है तो उसको सरेंडर करना पड़ता है ग्राम पंचायत में फिर ग्राम पंचायत उसका पट्टा बना देती है। इसे पट्टे दिए जा रहे हैं पट्टे देने में कोई व्यवधान नहीं है न कोई रोक है। माननीय मंत्री महोदय जिन गांवों की आबादी कटी हुई है जिन हो गया जब आबादी कटी हुई है और आबादी में पट्टी देने पर विचार रखती है कि नहीं उनके नियमों में संशोधन करके पंचायत नगर पालिका की तर्ज पर